एक बहुत बड़ी न्यूज आई है और जिससे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो सारी बातें हिल के रह गई हैं। और वो ये है कि इंडिया जो है उसने क्रॉस कर लिया है ब्रिटेन को, जो कि किसी दौर में इंडिया ने देखे, इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आजादी हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान ने इकट्ठी आजादी हासिल की 1947 में। तो दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर कमर चीमा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इंडिया फिफ्थ दुनिया की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और ये हालांकि कई बार हुआ है ऐसा, लेकिन फिर से एक बार बना है। आपको पता है, भारत 2030 तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक, पहले ये 2050 तक बोला जा रहा था कई सर्वेस के द्वारा, कई सर्वे में बोला जा रहा था, अब बोला जा रहा है 2030 तक इंडिया सेकंड बन जाएगा। तो देखते हैं ये टारगेट अचीव होता है कि नहीं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद। और आज इंडिया यहाँ पे पहुंच गया है कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में की, और जो यूके है दैट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। और फर्क ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, आज 75 साल बाद जब इंडिया 75 ईयर्स बना रहा है, हम भी 75 ईयर्स मना रहे हैं। आई थिंक इंडिया तो G20 का इजलास जो है वो इंडिया में रखेगा, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी हम यहाँ पे हैं। और पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के सारे फेडरल मिनिस्टर्स इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पे खड़े होकर बाहर से एड ले रहे हैं और डेलीगेशंस को रिसीव कर रहे हैं। कहीं से $5 मिलियन आ रहा है, कहीं से $10 मिलियन आ रहा है, कहीं से टेंट आ रहे हैं, कहीं से ये आ रहे हैं। गो को ये जो फ्लड्स हैं ये नेचुरल हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो बारिश है वो तकरीबन 193% ज्यादा हुई, तकरीबन 200% ज्यादा बारिश हुई पाकिस्तान में इस स्पेल में, ये जो मॉनसून का था। अमूमन 4 स्पेल होते हैं, 9 स्पेल, 8-9 स्पेल आ गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा सारे का सारा जो मुल्क है वही बह गया, और जितना पैसा हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करवाया था उससे आधा तो जो है वो ऑलमोस्ट इस 2 हफ्ते में फारग हो गए। जितना इन्वेस्टमेंट हमने करवाई थी अब हमारे ऊपर और इन्वेस्टमेंट और कर्जे चढ़ गए, वो ये एक डिफरेंट स्टोरी है। अब मैं आपको ये जो बातें कर रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको अब ये स्टोरी सुना रहा हूँ। देखें, इंडिया जो है ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, ठीक है जी। ये जो पिछले 2021 के जो 3 मंथ्स थे अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि जैसे ही इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है तो ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है दैट इज बेस्ड इन US डॉलर्स, और इंडिया ने ये अपने पहले एक क्वार्टर में ही चीजें बेहतर कर ली थी इंडिया। और ये बेसिकली जो IMF के फिगर्स हैं उनसे कुछ ये बातें हैं। अब ये इंग्लैंड की जो डिक्लाइन है, जारी बात है ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। मैं फॉर एग्जाम्पल कल सफर कर रहा था तो CNN सुन रहा था, तो वो कह रहा था जनाब CNN में वो आई थिंक CNN कोई मनी का शो करते हैं, तो उसमें वो कह रहा था जी कि जो मार्केट्स हैं लंदन है, न्यूयॉर्क है, फ्रैंकफर्ट है, उसके बाद टोक्यो है। तो अब देखें कि अब जिस तरह अब लंदन जो है वो उस तरह बड़ी मार्केट नहीं रहेगी। अब देखिए, आपको दिल्ली को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज न्यू, ये एक रियलिटी है। अब ये जो यूके का जो डिक्लाइन है इंटरनेशनल रैंकिंग में, जारी बात है जिन लोगों ने, खासतौर पे पाकिस्तानियों ने बहुत सारा पैसा इंग्लैंड में लगाया हुआ है और पूरी दुनिया से पैसा इंग्लैंड में जाता है, तो वो पैसा जो है वो अब लोग कंसर्न हो जाए कि भाई इकोनॉमी तो नीचे जा रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं जिन्होंने बोरिस जॉनसन का अभी सक्सेसर चूज करना है, और मेरा ख्याल है वोटिंग शोटिंग हो गई है, मंडे को वो सारा उन्होंने काउंट कर लेना है। अब ये जो अच्छा मजे की बात है, यूके की भी सिचुएशन देख लें, या वहां पे भी एक इंडियन ओरिजिन का जो ऋषि सुनक है वो इज लाइकली टू बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और अगर इंडिया उस वक्त में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनता है इंग्लैंड को क्रॉस करके, कि वहां पे भी एक इंडियन ओरिजिन का ही शख्स जो है प्राइम मिनिस्टर आता है, तो आप ये स्टैटिस्टिक्स ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये जारी बात है, ये जो कुछ इंग्लैंड में हो रहा है ये बेसिकली वहां की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से भी हो रहा है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गिराया गया। अब आप इमेजिन करें कि इंग्लैंड जैसा मुल्क जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि वो। अच्छा, अब आप एक और चीज बताऊ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है IMF ये कह रहा था
इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जर होगी और क्रॉस करेगी यूके को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। अब ये इकोनॉमी 2027 में क्रॉस करनी थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि ये तो 2022 में सारा कुछ हो गया। द रीजन बिहाइंड इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अब पहले तो बोरिस जॉनसन जो है उसको पहले हटाते रहे, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आता रहा, ये वो, फिर उन्होंने रिजाइन वगैरह हो गया सारा कुछ। तो अभी वो जो, तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को शेक को संभाल नहीं सकी, तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे $350 की GDP हो, जहां पे इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो, IMF के प्रोग्राम चल रहे हो, वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को संभाल सकता है? ये तो हमारे अकलमंद सियासतदानों से को पूछे जो सारा टाइम सिर्फ अपनी ईगो के लिए सियासत करते हैं। वो सियासत इसलिए करते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, तो वो कहते हैं मेरा हक है वजीर आजम बनना क्योंकि मैं पॉपुलर हूं। तो वो ना तो वो पार्लियामेंट को मानते हैं, ना वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। तो अगर इंग्लैंड पीछे रह जाता है, इंग्लैंड की पोलिटिकल अनसर्टेनिटी वहां पर मसाइल पैदा कर सकती है। तो अब आप इमेजिन कर ले कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। और ये बड़ा क्लासिकल केस है, ये IMF की प्रोजेक्शन थी, ये IMF की प्रोजेक्शन थी और फोरकास्ट था कि इंडिया पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनेगा बाय 2027। लेकिन ये सिर्फ ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी, हालांकि 2008 में आए, 2020 में पेंडेमिक आई, तब भी कोई मसला नहीं था। द इकोनॉमी इज वर परफॉर्मिंग। यूके की इकोनॉमी जो है बेसिकली 2008 के क्राइसिस में एक दफा नीचे गई, उसके बाद फिर अगेन 2020 में ये सारा टाइम टर्मोइल रहा है ये पेंडेमिक की वजह से और ये सारा, और फिर एक दफा ऊपर गई है इकोनॉमी, लेकिन वो जैसे आप कह लें कि मामला जो है वो नहीं बिगड़ सके, बन सके। तो 3.17 trillion dollar की इकोनॉमी है इंग्लैंड की, उसकी क्या नाम है उसका, इंडिया की। और अगर आप यूके की देख लें तो वो भी इस वक्त इतनी ही है, 3.188, और उन्होंने उन्होंने क्रॉस कर लिया है। ठीक है जी, अब जारी बात है, ये एक इसकी ग्लोबल रिपरकशंस होंगे, ये एक ग्लोबल एक कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पे मैं आपको मजे की बात बताऊंगा, मैं एक इकोनॉमिस्ट का एक बहुत अच्छा एक चरीदा है ब्रिटेन का ही, उन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा और दैट वाज दूसरे एन ब्रेमर, जो बेसिकली बड़ा पढ़ा लिखा और प्रेसिडेंट है यूरेशिया ग्रुप का। उसने कहा कि दुनिया जो है, दुनिया 2032 में कैसी होगी, और दुनिया 2032 में कैसी होगी, उसने बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने एक पैरा, आई वॉज रीडिंग इट, मैं दो तीन दिन पहले ये पढ़ रहा था, मैं चाह रहा आपके साथ वो भी शेयर करूं। वो कह रहा है कि उसने आयन ब्रेमर नहीं कहा, इयन ब्रेमर। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया एक्सप्लेन कर रहा था, इंडिया बन गया है फिफ्थ लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था दुनिया में। और अब ऐसा है कि यार दोस्तों, भारत की जो आबादी है अगर आप कंपेयर करें इंग्लैंड के मुकाबले, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो पर GDP पर पर्सन इनकम होगी इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा होगी, इंडिया की आबादी के मुकाबले आप कंपेयर करें तो। बट हमारे जो आबादी ज़्यादा है, चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं, फिर भी हम अच्छा खासा ग्रोथ है हमारा, उसके बावजूद अभी भी बहुत गुंजाइश है कि और भी ग्रोथ हो सकती है कई सेक्टर में। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा यूथ है, भारत में सबसे ज़्यादा यूथ को चाहिए है जॉब, और जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बन सकती है। कोविड के कारण बहुत ज़्यादा हर कंट्रीज़ का, आपको पता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नीचे गया है, और साथ ही साथ ये रशिया और जो यूक्रेन वॉर की वजह से पता है आपको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में महंगाई बहुत ऊपर गई है। लेकिन अब ऐसे आंकड़े आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से कुछ पॉजिटिविटी आती है कहीं ना कहीं से। हालांकि कई लोग ये चीज़ें जो समझते नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा, सब झूठ बोला जा रहा है, सब ये उनकी चाल है, ये वो RSS की चाल है। इस तरीके से लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, TV में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी सुना है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप कमर चीमा बता रहे हैं किस तरीके से भारत पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए थे, और आज भारत देखिए जिनसे आज़ाद हुए थे उनसे आगे निकल कर पाकिस्तान उनसे लोन भीख मांग रहा है। तो आप समझ सकते हो सिस्टम क्या है और क्या नहीं है। पाकिस्तान सोचता है भारत का एरिया बड़ा है, भारत का एरिया बड़ा है, भारत की आबादी भी बड़ी, भारत के चैलेंजेस भी ज़्यादा है। भारत का अगर मैं बता रहा हूँ आबादी 70 करोड़ होती ना तकरीबन, पार्टीशन अगर तरीके से हो जाता 70 करोड़ के आसपास
आबादी होती और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ भी पास हो जाता, ऑब्वियसली फिर तो कोई दिक्कत ना होती, तो इस कंट्री की ना अब भी पहचान कुछ और होती। आपको कहना क्या है इस टॉपिक के बारे में?